है 21 फरवरी 2023 और दिन है आज मंगलवार का। इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 2:20 और मौसम एक बार फिर से बिगड़ता हुआ। थोड़ी देर पहले तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जो है वो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, तो सुबह से मौसम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक था और ये दोपहर होते होते जो है ये एकदम से मौसम फिर ख़राब हो चुका है। तो चलो आइए, आज मैंने अपनी यात्रा पठानकोट से स्टार्ट की थी, आज मैं जाऊंगा पठानकोट से डलहौजी के लिए बस में और देखेंगे कि बस में कितना टाइम लग पाता है और बस कहाँ कहाँ पर रुकती है और बस में पठानकोट से डलहौजी का क्या किराया है। तो चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हूँ मैं पठानकोट बस स्टैंड के ऊपर और यहाँ से पहली बस ये लिखी हुई है 6:35 पर, जो कि डलहौजी के लिए जाती है और ये 5:30 है चंबा के लिए, 4:30 भी चंबा के लिए है और ये 2:30 भी चंबा के लिए है और मुझे जाना है डलहौजी। तो ये 6:35 वाली तो निकल गई होगी और इसके बाद है ये 8:00 वाली, ये भी निकल गई होगी। इस वक्त टाइम हो रहा है 9:10 और ये 8:30, ये भी निकल गई है दिल्ली से डलहौजी और अब ये लिखी हुई है इधर पठानकोट डलहौजी 10:40 पर। 9:14 हुए हैं और मुझे दिल्ली से डलहौजी के लिए जो वोल्वो बस जाती है वो मिल चुकी है, तो शायद ये लेट थी इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी नहीं, आते ही जो लोग उतरने वाले थे उनको उतारा है और मुझे इसी में जो है ये सीट मिल पाई। पूरी की पूरी बस खाली है, ये 2-3 लोग आगे बैठे हुए हैं और पीछे की पूरी बस ये खाली है, तो मुझे आराम से इसमें सीट मिल पाई है, तो पूरी की पूरी बस खाली है। 9:12 पर ये पठानकोट से निकली है और अब देखते हैं डलहौजी कितने बजे पहुंच पाती है और इस बस का पठानकोट से डलहौजी का कितना किराया है। 12:10 हुए हैं और हम डलहौजी हैं, मुझे नॉर्मल जो ऑर्डिनरी बस होता है वो नहीं मिल पाया क्योंकि वो पहले ही निकल चुका था और ये जो बस मुझे मिली है ये एसी वोल्वो बस थी जो कि बिल्कुल नॉन स्टॉप थी, ये रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी और ये मुझे लगता है आज थोड़ा लेट थी क्योंकि इसका टाइम जो पठानकोट पे लिखा हुआ था वो 8:35 लिखा हुआ था और ये पठानकोट से चलने के बाद रास्ते में कहीं पर भी ना तो खाने के लिए चाय पानी के लिए कहीं पर भी नहीं रुकी और इस बस में जो किराया लगा है मेरा वो किराया लगा है 260 रुपया इस एसी बस में, जो वोल्वो बस में जिस बस में मैं आया हूँ इस बस में 260 रुपया मेरा जो किराया लगा है, जो कि 100 रुपया शायद ज़्यादा लगा इस बस में क्योंकि ये एसी और नॉन स्टॉप वोल्वो बस थी। अगर मैं ऑर्डिनरी दूसरी बस में आता तो मेरा किराया 150-160 के आसपास लग पाता। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पठानकोट से डलहौजी, तो 9:32 पर ये मेरी आज टिकट कटी थी और ये 260 रुपया जो है ये मेरा किराया लगा था एसी वोल्वो बस में पठानकोट से डलहौजी। ये आप लोग देख सकते हैं 260 रुपया ये मेरा किराया लगा है और 21/2/2023 9:32 पर ये मेरी टिकट कटी है। अगर मैं ऑर्डिनरी बस में आता तो मेरा किराया लगभग 150-160 रुपया लगता, तो ये मैं आया हूँ वोल्वो एसी बस में इसलिए जो है ये दूसरी बस से इसमें 100 रुपये ज़्यादा जो है ये किराया लगा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस बस में बहुत ही कम जो है आज यात्री थे और मुझे बहुत ही आराम से यहाँ तक जो है ये इसमें सीट मिल पाई। तो जिन भी लोगों को बस में, जिन भी टूरिस्टों को पठानकोट से डलहौजी तक बस में आना होगा तो उनको आइडिया लग गया होगा कि कितना टाइम जो है वो बस में लगता है और कितना किराया जो है वो बस का है। अगर मैं दूसरी बस में आता और वो कहीं पर खाने के लिए या चाय के लिए रुकती तो और इस बस से ज़्यादा जो है वो आधा घंटा और आप एक्स्ट्रा मान सकते थे, मेरा आधा घंटा और आगे ज़्यादा लग सकता था। तो ये मैं पहुंच गया हूँ डलहौजी बस स्टैंड पे
और अभी मैं आज निकल रहा हूँ घर के लिए। तो जिन भी टूरिस्टों को बस की जानकारी चाहिए होगी तो उनको बस की जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 2:20 और मौसम एक बार फिर से बिगड़ता हुआ। थोड़ी देर पहले तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जो है वो बारिश और ओलावृष्टि हुई है। एकदम से दोपहर के बाद जो है वो मौसम ख़राब हुआ और अभी थोड़ी देर पहले जो है एकदम से इतनी अत्यधिक ओलावृष्टि और बारिश हुई है जिसको कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया हूँ। तो सुबह से मौसम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक था और ये दोपहर होते होते जो है ये एकदम से मौसम फिर ख़राब हो चुका है। आज मैंने अपनी यात्रा पठानकोट से स्टार्ट की थी और इस वक्त टाइम हो रहा है 2:22 और मैं घर पहुंच पाया हूं। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूं कल और मैं किसी सपोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।